नमस्कार, राम राम। देखिए, मैंने आपका नग्गा रेडी करवा दिया है। प्रॉपर नग्गा है, 6 किलो का विदाउट ज्वाइंट प्रॉपर नग्गा है। ये हाथ से बनाया हुआ है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं होता। देखिए, इसमें भैया कोई ज्वाइंट नहीं है, ये सिंगल पीस का बाया है, हाथ से बनाया हुआ। और ये काफी स्पेशली भैया नग्गा बना हुआ है। देखिए, इसका गाटदार बाया है। और ये मैं आज आपको वेस्ट बंगाल भेजूंगा। और एक नग्गा रेडी करके एक और है, नीलकंठ भैया है एक, ये कोल्हापुर से महाराष्ट्र। तो ये मैंने उनके लिए भैया पाया, मैंने रेडी करवाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये डग्गा 5 किलो का है, विदाउट ज्वाइंट का है। ये देखिए, ये भी काफी प्रोफेशनल विद स्कीम में तैयार करवाया हुआ है। इसका साउंड आप, और ये नीलकंठ भैया, ये मैं आज आपको ये कोल्हापुर भेजूंगा कोरियर से। और जब भी आपके पास पहुंचे तो आप मुझे बताइएगा कि आपको डग्गा कैसा लगा। और जिन भाइयों को भी मेरे पास से डग्गा या ढोला, जो भी जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब अपने पास होते हैं। अगर किसी भाई को भी अगर चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। ये मेरा नंबर है 9716120278। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और मेरी जो दुकान है अपनी, ये अपनी जगदीश प्रसाद सुनील कुमार जी के नाम से है। और अपना 150 साल पुराना काम है इसी लाइन का। और अपनी सब चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ढोलक तबला। और ये जो डग्गा है ना, ये भी हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और ये हैंडमेड पाया है, और लोग इसे न जाने पता नहीं कहते कि ये मशीन मेड पाया है, हैंडमेड यो मशीन मेड पाया है ये। और ये मशीन मेड पाया है नहीं, और मशीन मेड पाया कभी सिंगल पीस में बनेंगे नहीं, खास तौर से 5-6 किलो का तो बनेगा ही नहीं किसी हाल में। ये देखिए, और मैं आपको एक वीडियो भी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा अपनी फैक्ट्री में जाके, कि ये भाई जिस तरह तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक शीट होती है, काफ़ी बड़ी शीट होती है कॉपर की। इसको तपाया जाता है, उसको मठारा जाता है। जब इसके ऊपर 10-10 किलो के घन चलते हैं, और जब जाके इसके इसका पेट इस टाइप का इसका बनाया जाता है इसको। देखिए, और लोग कहते हैं कि ये बाएं सिंगल पीस के बाएं मशीन से बन रहे हैं, तो खैर उनको तो खैर इस चीज के लाइन के बारे में उनको क्या पता होगा। वो कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे। बिना हड्डी की जवान होती है, आदमी कुछ भी कह सकता है। उनकी जवान में हड्डी तो होती नहीं, आदमी कुछ भी कह सकता है। और उनको इस लाइन के बारे में तो खैर, क्योंकि जो उनका तबला बनाने का काम है, मगर उनका इस लाइन का काम तो है नहीं। अब वो इस बारे उनको कोई उनको जानकारी तो है नहीं, अब वो क्या कहेंगे। उनको तो सब चीज उनको मशीन मेड ही नजर आती है। और मैं आज मैं आपको मैं फैक्ट्री में भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डग्गे किस तरह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इसे कई बार इसको तपाया जाता है भट्टी में, जब जाके ये तैयार होता है, इसको मठारा जाता है, इसका पेट निकाल जाता है, सब कुछ करा जाता है। और मैं आज कल में मैं फैक्ट्री जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये डग्गे किस तरह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं हमारे पास, हमारी फैक्ट्री में। और जिस भाई को भी और मुझसे कॉन्टेक्ट करना हो तो आप मुझसे करें। और आपको मार्केट से बहुत ही कम रेट में मेरे पास से मिलेगा,
और क्योंकि मेरे देखो मेरे तो होलसेल की मेरी सारी दुकान है, बंद भी कर दिया। भाइयों को भी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। नमस्कार।